गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इस दिन 4:30 बजे उठ गई थी, कैन यू बिलीव? ऑफ कोर्स यू शुड। एंड फिर हम मतलब मैं और मम्मी थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने निकले थे, क्योंकि मुझे सब लोग बोल रहे थे कि थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया करो, उससे जो मेरे हेल्थ इश्यूज़ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सब लोग से मेरा मतलब है, मम्मी बोल रही थी और बड़े लोग भी बोल रहे थे और डॉक्टर्स ने भी रिकमेंड किया था मुझे। तो मैं थोड़ा सा मॉर्निंग और इवनिंग को वॉक करने की कोशिश कर रही हूँ आजकल। और मैं सनराइज़ होने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन सनराइज़ हो ही नहीं रहा था। अगर यहाँ पे मेरा फोन गिर जाएगा फिर मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद माँ और मैं बेलपत्र तोड़ रहे थे, शिव जी को चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे। हम प्लान करके आए थे कि हम इसको लेके जाएंगे, और आई थिंक इसको इंग्लिश में एगल मर्मेलिस बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, उसके बाद मैं घर पे आ चुकी हूँ। आने के बाद मैंने नहा लिया है और अच्छी सी हवा चल रही थी जैसे कि आप देख सकते हो, तो मैं अपने बालों को थोड़ा सुखा रही थी। साथ ही में मैंने अपने हाथों से लगाया हुआ जो प्लांट है उस पर मतलब जो फूल खिले हैं ना, क्या बताऊँ मैं, वो भी दिखा रही थी। और देखो फिर से बारिश शुरू हो गई, मतलब इतनी बारिश हो रही है ना, 2-3 हफ्तों से मतलब कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा, इतनी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। हमारे इधर तो कपड़े भी नहीं सूख रहे थे। आज घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी पापा भैया भाभी सब बाहर है, मैं अकेली घर पर हूँ। और आप बारिश की आवाज़ तो सुन सकते हो, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है और मैंने खाना भी नहीं खाया। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, रोटी और सब्ज़ी, माय फेवरेट। ये मेरा खाना आ चुका है, अभी सर्व करते हैं और खाते हैं। किट्टू तो खाना खा लिया है और ये है खीर। मेरे हाथों की हालत, लेटर इन द इवनिंग आई वेंट आउट विथ माई मदर टू डू शॉपिंग फॉर रथ यात्रा। जब मैं शॉप में जाके पहुँची, मुझे लगा मुझे आराम से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन गेस वॉट, मुझे जो चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा था। मतलब सारे शॉप्स देख लिए हमारे यहाँ के, पर मुझे जो कलर चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। बट फिर जाके मिल गया एक, वो मैंने ले लिया। सब लोग बोल रहे थे कि आप बहुत लेट हो, इतना लेट क्यों आए आप। मैं हर साल ऐसा ही करती हूँ, मेरा जाने का कोई भी मतलब प्लान नहीं होता, मेरा जाने का मन भी नहीं करता, बट जब 3-4 दिन रह जाते हैं रथ यात्रा को, फिर मेरा सडनली मन करता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। पाइनएप्पल लेंगे।
इस एंगल के लिए आई एम रियली रियली सॉरी, बट मैं अभी अभी जस्ट मार्केट से वापस आई हूँ। अभी मैं जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ओके, तो मैंने कपड़े चेंज नहीं किया, मैंने सोचा कि मैं पहले दिखा देती हूँ उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी। स्टार्ट करते हैं इससे। तो पहले मेरे हाथ में आए ये शॉर्ट्स जो मैं घर पे पहनने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी इतनी इतनी गर्मी है तो इसके लिए मैं ये लेकर आई हूँ जिससे मैं सुकून महसूस कर पाऊँ। बहुत अच्छा है, कॉटन का है, ब्रीदेबल है और गर्मियों के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है, तो मैं ये दो लेकर आई थी। उसके बाद जो मेन चीज़ मैं लेने गई थी, मैं बताती हूँ मैं क्या लेने गई थी। बेसिकली रथ यात्रा के लिए जो ट्रेडिशनल वेयर होता है मैं वो खरीदने, जो कि पर्पल कलर में था, लेकिन ये इतना पर्पल नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पे कैमरे में ज़्यादा पर्पल दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में ना थोड़ा डार्क पर्पल है। जैसा कलर चाहिए था मुझे एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है, बट ये अच्छा लगा था क्योंकि सारे पर्पल कलर आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो मैं ये लेकर आई हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी सिलाई करना पड़ेगा और मैं करूँगी मैं। उसके साथ वो तो हो गया बॉटम वेयर, और उसके साथ मैं ये लेकर आई हूँ येलो कलर का, क्योंकि ड्रेस कोड होता है हर गांव में, हमारा ड्रेस कोड है पर्पल और येलो, और ये अपर वेयर है। इसके लिए मैं लेस भी लेकर आई थी। इसके साथ पर्पल कलर का लेस लगाऊंगी मैं, ये मैं खुद करूँगी या फिर भाभी करेंगे। और ब्लाउज़ भी लेकर आई हूँ मैं पर्पल कलर का। दैट्स इट। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए गई थी एक्चुअली। ईयरिंग्स चाहिए थे मुझे, और मेरा बॉडी लोशन, फिर हेयर ऑयल, सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, सब आउट ऑफ स्टॉक था। और मैं एक बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, एक अच्छी सी चीज़ लेकर आई हूँ, लेकिन वो मैं आपको नहीं दिखाऊँगी, थोड़ा थोड़ा दिखा सकती हूँ। अभी मेरा कोई प्लान नहीं है इसको पहनने का, मतलब आने वाले दिनों में भी, तो मैं अभी इसलिए आपको नहीं दिखा रही हूँ। ओ माय गॉड, बेसिकली ये इनाफी है, हमारा ट्रेडिशनल वेयर। मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे पास ब्लू कलर में कुछ भी नहीं था तो मैंने ये ब्लू कलर में लिया, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी। मेरे सारे पैसे चले गए, मतलब सभी चीज़ों में, और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें खरीदे हमने, लेकिन वो मैं नहीं दिखाऊंगी यहाँ पे ऑब्वियसली। सो मैं अभी अभी पूजा करके आई हूँ, तो उसका टीका लगा हुआ है मुझे, और मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं ब्राह्मण के घर फिर से, क्योंकि आज हमारी पाली है। पाली मतलब इतना डिटेल में मैं कुछ समझा नहीं पाऊँगी, बस एक तरह का पूजा होता है जो हम रथ यात्रा के टाइम करते हैं। That's it. Let's go. पता नहीं हम कैसे जाएंगे, इतनी बारिश हो रही है।